आज हम बनाएंगे चाइनीज स्टाइल मैगी नूडल। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। इस नूडल को आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कुकिंग विद संगीता में। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो चाइनीज़ मैगी बनाने के लिए हमने 2 पैकेट मैगी लिया है और साथ में ये टेस्ट मेकर ले लिया है। गैस पर हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो मैगी के पीसेस को इसमें डालकर और हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट इन्हें पका लेंगे। मैगी को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैक्सिमम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में ये पक जाते हैं। तो अभी 3 मिनट हो गए हैं पूरे और नूडल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। एक बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर रखकर और इसे छान लेंगे। इसके ऊपर हम लगातार 2 से 3 गिलास ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए और मैगी चिपचिपी ना हो। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नूडल्स आपस में एक दूसरे में चिपके नहीं। अब हमने गैस के ऊपर एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन हमने ली है, 1 बारीक कटा हुआ प्याज हमने लिया है। इन्हें हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। प्याज को भूनते हुए 15 से 20 सेकेंड हो गए हैं और अब हम इसमें कुछ हरी सब्जियां ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ सब्जियों को काट कर ले लिया है, बारीक कटी हुई रेड शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई ग्रीन शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई कैबेज और 1 बारीक कटी हुई गाजर। आप यहां पर अपनी मनपसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। साथ ही सब्जियों के अकॉर्डिंग हम यहां नमक ऐड कर देंगे। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अब हम हाई फ्लेम पर सब्जियों को थोड़ी देर भून लेंगे ताकि सब्जियों का क्रंचीनेस बना रहे। सब्जियों को भूनते हुए अभी 20 सेकेंड हो गए हैं और अब हम इसमें बॉईल किए हुए नूडल को ऐड कर देंगे। नूडल को डालने के बाद थोड़ी देर इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे। तो यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई एक ग्रीन चिली ली है, 1/4 चम्मच से भी कम रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस। मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर है उसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो 2 पैकेट हैं, दोनों पैकेट हम यहीं पर डाल देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ग्रीन ऑनियंस लिया है, इसे भी यहीं पर डाल देंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 2 स्पून की सहायता से हम इन्हें मिक्स करेंगे। बिल्कुल खिले खिले मैगी बने हैं। इस मैगी को आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो ट्राई करें आप भी इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इसे फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।